लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, जिन बच्चों के खातिर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है वही बच्चे अब तुम्हारी जिंदगी नरक बना देंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? बात क्यों नहीं करते? हेलो, डैम इट, वानी मैडम को भी टेंशन है और तो अपने साहब के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है। हे भगवान, जो लोग तेरी पूजा पाठ करते हैं कम से कम उनको तो छोड़ दिया कर। तेरे को भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करूं? मुझे कुछ करना पड़ेगा, मगर तू भी क्या करेगा? तेरे पास तो टाइम नहीं है ना। टाइम मिलता आज क्या कभी जाके आगरा का टिकट लेता और फिर क्या सारे का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता। टेंशन प्रॉब्लम। बंटी, क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रहा है? कोई टेंशन है? कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई टेंशन नहीं है और नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम है। फिर तुझे एक बात बताऊं, जब एक प्रॉब्लम होता है उसके बाद ही दूसरा प्रॉब्लम होता है और उसके साथ ही तीसरा प्रॉब्लम शुरू और तीसरे के बाद चौथा और पता है फिर क्या होता है? चौथे प्रॉब्लम से सीधा प्रॉब्लम आके पहले प्रॉब्लम पे आके अटक जाता है। जो प्रॉब्लम और टेंशन का चक्कर है ना, इन दोनों का आपस में पहला बहुत पुराना चक्कर है। जब टेंशन शुरू होता है तो प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आता है टेंशन, टेंशन प्रॉब्लम का, दोनों का आपस में एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। बंटी, तू ये क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतना सोचने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है? तू सोचना छोड़ दे। तू जानती है सुन, करण बाबा परेशान है कि नहीं? हाँ है। और उन करण बाबा की वजह से हमारी महक भी परेशान है, इतना प्यार उनसे करती है कि नहीं? हाँ है। पर तुम्हें पता है करण बाबा की वजह से हमारी उर्मिला मैडम भी परेशान है। हाँ, अब तेरी समझ में आया ना, ये दुनिया ही एक प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की दुनिया को एक टेंशन है, प्रॉब्लम है। क्या करूं ना जान, ये प्रॉब्लम कब खत्म होगा? बाबू, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बस एक बार आगरा का टिकट मिल जाए, हम दोनों चले जाएंगे ना, सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। बंटी, तुम्हें आगरा के अलावा कुछ और सोचता भी है या नहीं? तेरे बारे में सोचो, मेरी उम्र निकली जा रही है। अगर मेरी उम्र बढ़ गई तो मैं मिस वर्ल्ड नहीं बन पाऊंगी। तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचे, तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, मेरे बारे में सोचो, मेरी प्रॉब्लम के बारे में सोचो। बंटी, रुक रुक, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सोचता हूँ मैं, सोचना पड़ेगा, मगर ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, सारी दुनिया को प्रॉब्लम है, पर तुम्हें क्या करना है दूसरों की प्रॉब्लम से? बंटी, डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल, हमारे बारे में सोच। आज आज अभी हम लोग निकल जाते, भाग जाते हैं। हाँ तो चलना बबली, फिर हम दोनों भाग जाते हैं। देखा, मैं देखती हूँ। प्रीति, तुम? हाँ, करण भैया है। अंदर आ। प्रीति, तुम यहाँ? करण भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। मुझे पता है तुम क्या बात करने आए, कोई फायदा नहीं। भैया, आखिर आप क्यों जिद पर अड़े हुए हैं? जो भी हुआ है उसे भूल जाइए और घर वापस आ जाइए। मम्मा आपका वेट कर रही हैं, मैं आपका वेट कर रही हूँ। चलिए घर वापस चलिए। कोई किसी के लिए नहीं वेट कर रहा, मैं नहीं आऊंगा। ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से। मेरे लिए नहीं, कम से कम मम्मा के लिए। भैया, आपको पता है जब से आप घर छोड़ कर गए हैं मम्मा अपसेट हो गई हैं। प्लीज मम्मा का ख्याल कीजिए। प्रीति, मैंने तुम्हें कह दिया मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैं यहाँ ठीक हूँ। शिवी, शिवी तुम समझाओ भैया को। फॉर गॉड सेक,
इनसे कहूं कि वो घर वापस चले। मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं, अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं, मैं नहीं आऊंगा। यार कब तक यहाँ पे सड़ना पड़ेगा, दो दिन और रुकना पड़ गया ना तो अपनी हालत पतली हो जाएगी। एक बार यहाँ से आजाद हो जाऊं इस इंस्पेक्टर की तो मैं बैंड बजा दूंगा। धीरे बोल धीरे, कहीं यादव ने सुन लिया ना हमें चटनी पीसनी पड़ेगी। तो याद है ना बाजार में कैसे सरेआम घसीटता हुआ लाया था, अभी तक बॉडी पेन हो रहा है। चिंता मत कर दीपक, बस घमंड है ना अपनी वर्दी पर कि वर्दी नहीं उतरवाई तो मेरा नाम भी राजदीप। ठीक कहते हैं, इसकी वर्दी तो उतरवाएंगे हम, इतने पापा भी तो कुछ नहीं कर रहे। यार इस इंस्पेक्टर को देखते मेरे तो पसीने छूट जाते हैं, बस पापा से बात हो जाए तो देख। दिखाऊंगा तो मैं उसे, चौराहे पर भीख नहीं मंगवाई वो भी कटोरा लेकर। ये तो तू ठीक कहता है, पर मैं इसको अपने पैरों पे नाक ना रगड़वाई तो मैं भी सीएम की असली औलाद नहीं। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन अभी क्या करें? यही तो प्रॉब्लम है, इस यादव के बच्चे ने भी मोबाइल छीन लिया, अगर मोबाइल होता तो आज सारे कॉन्टेक्ट हो जाते। आइडिया। क्या? हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिगरेट लेगी। मैं बीड़ी सिगरेट पीता नहीं और तुमको पीने भी नहीं दूंगा। बीड़ी सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारी है। अरे भाषण मत दो, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, हमें मत समझाओ। तुम जैसे बड़े बाप के बिगड़ी औलाद का ही असर होता है, सुधर जा। भाई नाराज क्यों होते हो, हम तो तुमसे ये कह रहे थे तुम छोटा सा काम कर दो तो। अरे कहने का मतलब ये है मुझे अपने पापा से अर्जेंट बात करनी है, अगर तुम वो बात करा सकते हो तो तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है, जिस सिपाही से तुम इंस्पेक्टर बन सकते हो। भाई हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। अबे ओ करोड़पति बाप की नाजायज औलाद, ओए ए चुप, तुम बिगड़े हुए लड़के हमारी भलाई मत सोचो, तुम अपनी भलाई सोचो समझे, चलो। की तो महक मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, दे ऑल आर वर्किंग हार्ड, आई एम रियली हैप्पी। यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, मुझे सर्वे रिपोर्ट्स भी मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं, मार्केट में हमारी कंपनी की रेपुटेशन तेजी से बढ़ रही है। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है, इसका क्रेडिट सबको जाता है। थैंक यू सर। सर इफ यू डोंट माइंड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो क्या बात। सर वो मुझे करण के बारे में बात करनी है। करण के बारे में? यस सर। बोलो। क्या सर आप उसे दोबारा नौकरी पर रख सकते हैं? व्हाट आर यू सेइंग महक, जिसकी पढ़ाई इनकम्प्लीट हो, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, इस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है, उसे मैं काम पर कैसे रख सकता हूँ? सर वो एक अच्छा लड़का है। जो 5 साल तक कनाडा में क्या करता रहा कोई नहीं जानता, तुम कैसे कह सकती हो कि वो एक अच्छा लड़का है? आखिर तुम क्यों चाहती हो कि उसे वापस नौकरी मिल जाए? सर इसलिए कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो मेरा पड़ोसी है। सर गलतियां करके ही तो इंसान सीखता है, सर प्लीज उसे सुधरने का एक मौका दीजिए। कहाँ गई थी प्रीति? मामा मैं भैया से मिलने गई थी, उन्हें घर वापस लाने गई थी मम्मा। क्या कहा उसने? उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया, वो कनाडा वाली लड़की शिवी के साथ उस घर में रह रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उन्हें अपनों की चिंता नहीं है
वो अपने जो दिन रात उनका ख्याल करते रहते हैं, उन्हें छोड़ के वो गैरों के साथ रहने चले गए हैं। तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की? मम्मा मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा मम्मा कि भैया कैसे बदल गए हैं? उन्हें फैमिली इमोशंस की कोई परवाह ही नहीं। क्यों मम्मा? उसके अंदर भी अपने पाप का खून है ना, इसलिए वो भी तो एक दिन ऐसे ही कभी नहीं समझेंगे औरत के दुख। औरत बस सहती रहेगी, कभी पत्नी बनकर कभी मां बनकर। उर्मिला मैडम, आज खाने में क्या बनाऊं? जब भी देखो तुम खाने की बात करती रहती हो। जाओ, जो तुम्हारा मन है वो करो। मैंने तो कुछ गलत तो नहीं पूछा, ये माँ बेटी हमेशा मेरे पे ही क्यों चिल्लाती है? उर्मिला के बारे में सुनकर बड़ी चिंता सी हो रही है। इसमें चिंता करने की कौन सी बात है? क्यों, चिंता की बात तो है ही ना भाई। जवान बेटा घर छोड़कर चला गया, जिसके लिए वो सारी जिंदगी अपना खून जलाती रही, पता नहीं क्या बीतरी होगी उस पर। आप भी ना जाने ना कौन कौन सी टेंशन पाल लेते हैं। अरे उसके रंग ढंग तो पहले से ही खराब थे, आवारा है निरा आवारा। ऊपर से खून का केस और चल रहा है, अब ऐसा बेटा घर छोड़कर चला भी जाए तो इसमें रोने जैसी कौन सी बात है? कुछ भी हो, था तो उसका अपना ही खून ना। अरे ऐसे मौके पे तो तुम्हें उससे जाके ढाढ़स बंधानी चाहिए। और देखिए, ये ढाढ़स वाढ़स बंधाने के चक्कर में मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। वैसे ही पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया है मेरी फूल सी बच्ची पर, उस उर्मिला ने और उसके बेटे करण ने। वानी ऐसी बातें नहीं करते, और कुछ न सही, कम से कम अपना पड़ोसी होने का धर्म ही निभा सकते हैं। कल हम लोग चलेंगे उसके वहां, थोड़ा सहारा ही मिल जाएगा उसे। आप उर्मिला से हमदर्दी रखना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। साहब खाना लगा दूं क्या? चलिए खाना लगा दिया है, अब खाना खाने चलिए। भूख नहीं है मुझे, तुम और प्रीति खा लेना। अब प्रीति ने मुझे कहा जब तक आप खाना खाने नहीं आएंगी वो भी खाना नहीं खाएगी। कहा ना बेटा भूख नहीं है। मुझे पता है अब करण की वजह से दुखी है ना, पर उससे क्या फायदा? आपने सुबह भी खाना नहीं खाया था और अभी भी नहीं खा रहे हो। करण जरूर एक दिन वापस आ जाएगा। बहुत भोली है तू बबली है। नहीं मैं सच कह रही हूँ उर्मिला मैडम, करण एक दिन जरूर वापस आ जाएगा, बाहर उसका कौन ख्याल रखेगा? आप कितनी प्यारी माँ हो, वो आपको इतना मिस करेगा कि एक दिन वो जरूर लौट के वापस आ जाएगा, देख लेना। आएगा तो जरूर, एक न एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, लेकिन उसने जो मेरा दिल तोड़ा है, दिल तो शीशे की तरह होता है ना बबली, एक बार टूट जाता है तो जुटना मुश्किल। पर करण जब घर वापस आ जाएगा ना उर्मिला मैडम, तब उसे माफ कर दीजिएगा। आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं जानती हूँ आप उसे माफ कर देगी। माँ हूँ ना, माफ तो कर ही दूंगी। माँ होने का फर्ज मैं मरते दम तक निभाऊंगी। अच्छा तो अब आप खाना खाने चलोगे ना? चलो चलो खाना खाने। तुम जाओ।
शिवी। हाय आंटी, कैसे हो? आई एम ऑल्सो फाइन। व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ वर्क? एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन आंटी। करण मेरे साथ ही है। कैसा है मेरा करण बेटा? करण के बारे में क्या बताऊं आंटी, टेंशन लेते हुए थकता ही नहीं है वो। अरे ये तो बहुत गलत बात है। उससे कहो अपनी आंटी के रहते किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंटी मैंने करण को समझाया, मैंने उससे कहा है कि यहाँ पर मैं हूँ और कनाडा में तुम्हारी आंटी, फिर भी ये करण है ना समझता ही नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर के उनका पहाड़ बना देता है करण। लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। अब आंटी क्या बताऊँ, पहले से ही अपनी मॉम से परेशान है वो। मैंने उससे कहा कि वो यहाँ पर रह सकता है, आई मीन मेरा घर काफी बड़ा है, बट अब आंटी आप ही बताओ ऐसी मॉम की क्या जरूरत है जो अपने बेटे की बिल्कुल इज्जत ना करे, और तो और उसे नौकरी से भी निकाल दिया है आंटी। ओह गॉड, करण इतना परेशान है ना, रिलैक्स होने का तो नाम ही नहीं लेता है करण। आई अंडरस्टैंड हिज मेंटल स्टेटस। तुम जरा करण को फोन दो, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है आंटी, आप ही करण से बात कीजिए। हेलो आंटी। करण बेटा, डोंट टेक एनी टेंशन, तुम जरा भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर तुम्हारा कदम कदम पे साथ देने के लिए शिवी भी है। थैंक्स अ टन आंटी, सो नाइस ऑफ यू। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर आप और शिवी मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मेरा क्या होता, मैं तो बिल्कुल टूट जाता, बिखर जाता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते, हम तुम्हें टूटने या बिखरने नहीं देंगे। अगर वहाँ तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही है तो तुम शिवी के साथ कनाडा वापस आ जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? I'm confused. Don't be confused. Come Canada. ठीक है आंटी, मैं देखता हूँ। Bye, take care. देखा करण, तुम ना खामा खा टेंशन ले रहे थे, सब कुछ सॉल्व हो गया ना, मैंने कहा ना जब तक मैं हूँ रिलैक्स। इतनी रात को कौन हो सकता है,